मम्मी के यहाँ पे आए थे फाइनली सब बहनें, सिर्फ एक जो गांव वाली है ना वो नहीं है, और आज मैं आपको मेरी सबसे बड़ी बहन से मिलाऊंगी। सो बने रहिएगा ब्लॉग में, बात ऐसी है एकदम घर जैसी है। सो गाइस अभी हम लोग टैक्सी से उतर गए हैं और अभी अंदर जाएंगे। हम लोग बहुत सारे लोग हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं। तो मैं आपको यहाँ के एंट्री दिखाती हूँ, यहाँ पे टिकट लगता है वो मैं आपको अंदर डिटेल दिखाती हूँ क्या है कैसे लगता है। ये इसकी एंट्री है, यहाँ से एंट्री लेते हैं। सो गाइस यहाँ से एंट्री है और अभी हम अंदर आ गए हैं। दिखाते हैं कौन से एनिमल्स अवेलेबल है जू में। तो हमारी पूरी गैंग है, ये आगे जो चल रही है ना ये पूरी गैंग है हमारी। और ये है मेरा, कौन है सुजल, कौन है तू मेरा नेफ्यू। हाँ वेरी गुड स्मार्ट बॉय नेफ्यू। एंड हियर इज माय नीस रनिंग। तो ये लोग अभी मेरे व्लॉग में आएंगे। तो हम लोग एक्चुअली कल ही हमारे मॉम के इधर आ गए थे और ये दोनों है ना बोल रहे दीदी आप व्लॉग नहीं कर रही हो व्लॉग। अब आप सोचोगे मेरे भांजे हैं तो मैं इनकी मासी लगी, बट मुझे दीदी बोलते क्योंकि मैं इतनी बड़ी हुई नहीं ना, मासी जैसी दिखती नहीं इसीलिए। सो इसको तो आप पहचानते होंगे, स्नेहा लास्ट व्लॉग में थी हमारे साथ। सो लेट्स सी नाउ क्या क्या देखने को मिलता है जू में। तो ये बेसिकली रानी बाग है जो बायकला में है मुंबई, बहुत ही फेमस जगह है टूरिस्ट के लिए। तो बहुत सारे लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे जू पार्क में, मतलब एनिमल्स और सब देखने। सो मैं आप लोगों को फ्री में दर्शन देने वाली हूँ, लेट्स गेट स्टार्टेड। जब आप फर्स्ट टाइम एंट्री करोगे तो आपको सीधा लेफ्ट में ये हाथी मिलेगा, यहाँ पे एक ही हाथी है फिलहाल, और उसका ये पॉन्ड है जहाँ पे वो मतलब नहाएगा वगैरह। सो अभी हम लोग आगे चलते हैं। बहुत यूज हाथी है ये, पर वहाँ पे छुप के बैठा है, हम लोगों को देखने ही नहीं मिल रहा है। ठीक है एनीवेज आगे चलते हैं। गाइज आप देख सकते हैं इधर पे एक हाथी है अपना पूंछ हिला रहा है। और यहाँ पे आपको वॉशरूम मिलता है, ये देखो ये इधर बिल्ली भी है जो कि आप बिना जू के भी देख सकते हैं। इधर जेंट्स इधर लेडीज, और इधर पीने पीने के पानी का फैसिलिटी भी है जो कि बहुत बढ़िया बात है। और ये यहाँ पे बहुत सारी फेंसिंग की हुई है बट अभी तक पता नहीं क्यों किया है, इसके अंदर कुछ है नहीं है, वो हम लोगों को यहाँ से जाने के बाद समझ में आएगा। तुम लोग के जैसे लोग है उधर, तो इसी यही तो कहता है तो बंदर से तो इंसान बने। देखा मेरे ना ये लोग बहुत स्मार्ट है। यहाँ पे फेंसिंग की हुई है, इसके अंदर कुछ है नहीं हमारे हिसाब से क्योंकि वहाँ पे मतलब कोई जा भी नहीं रहे। मैं ना यहाँ पे मतलब बचपन में आते थे हम लोग, बहुत छोटे छोटे थे तब आए थे, और आज मैं ऑलमोस्ट मेरे को लगता है ना कि 15 या फिर 16 साल बाद आ रही हूँ, मतलब बहुत टाइम हो गया है। अब मेरे ये छोटे छोटे भांजी भांजा लोग भी बड़े हो गए तो इनको घुमाने के चक्कर में हमको भी घूमने मिल जाता है। और कोई बोलेगा नहीं मेरे भांजी भांजा यार, मेरे इतने ही लगते हैं, ऐसे लगता है कभी कभी मैं ही इनसे छोटी हूँ, एक तो इनसे ही बड़े। तो हमें तो बड़ा मज़ा आ रहा है, आप लोग को भी मज़ा आता रहेगा तो कमेंट ज़रूर करना कि राहुल के हेयर्स वाइट है ना, वैसे इसके भी देखो बहुत जल्दी वाइट हो गए। तो ये बहुत लोगों को मतलब प्रॉब्लम होती है, कुछ पर्टिकुलर कैल्शियम या कुछ कम होता होगा उसके वजह से ऐसे सब होता है। नहीं दिख रहा है, देख सकते हो यहाँ पे एक डियर है, नहीं दिख रहा है ध्यान से देख सकते हैं, पर सब लोग ऐसे उस तरफ मुंह करके बैठे, पता नहीं क्या परेशानी है इन जानवरों को। नहीं तो मैंने अभी तक आपको एक हाथी दिखाया, एक बियर दिखाया, और यहाँ पे मैं दिखाती हूँ इतनी गर्दी है, आई थिंक यहाँ पे टाइगर है। हाँ यहाँ पे टाइगर है, द टाइगर टेरिटरी। गाइस ये रश देखो, टाइगर टाइगर देखो बैठा है। इसको पीने के लिए और उधर भी है, उधर ये पूरा वाटर फील्ड है और वहाँ पे फाउंटेन जैसा है, तो ये इन लोगों को पानी पीने के लिए। यहाँ पे कैफे है
ये टाइगर के स्पॉट के एकदम बाजू में, तो अगर आपको कुछ खाना पीना है तो आप खा सकते हो। मेरी सबसे बड़ी बहन को मिला देती हूँ, तो ये मेरी सबसे बड़ी बहन है, मतलब ये सबसे बड़ी, मैं सबसे छोटी और तो मैं सबसे छोटा। अब इधर लड़ाई हो जाएगी बड़े छोटे में। सो ये इनका सन है। और बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग मतलब मार्केट जाते हैं ना, तो सबको लगता है कि मैं इनकी डॉटर हूँ। तो मतलब कभी कुछ बार्गेन वगैरह किया तो ऐसे लगता है, क्योंकि इनकी एज मतलब सबसे बड़ी है और मैं सबसे छोटी, तो आप इमेजिन कर सकते हो। तो यहाँ पे ये है जैकल, बट अभी वो केज के अंदर है, कहीं पे अंदर गया, बाहर नहीं आ रहा है। बैड लक, सब लोग हम लोगों को यहाँ पिछवाड़ा दिखा रहे हैं, यहाँ अंदर चले जा रहे हैं, हमको देखने ही नहीं। तो ये यहाँ पे एंट्री है और ये यहाँ पे लेपर्ड और हैना है। अब देखते हैं ये भी दिख पाते हैं या फिर ये भी हमारे नसीब में नहीं है। देख, दिस इज सो ऑसम, वेरी नाइस फोटोग्राफी। लेपर्ड है, यहाँ पे ही बैठा है लेपर्ड। ये नकली लेपर्ड है, मैं आपको असली वाला दिखाती हूँ। ये यहाँ पे हैना है, स्ट्राइप्ड हैना। अब वो भी लगता है नहीं है बाहर। सो गाइस, ये भी एकदम कॉर्नर में जाकर बैठे हुए हैं लेपर्ड साहब। देखो यहाँ पे ये इतना पूरा बड़ा एरिया दिया है लेपर्ड को, लेकिन लेपर्ड जाके बैठा है वहाँ पे। हाँ, बैठा है वहाँ कोने में। देखा, मैं पूछ ही ला रहा था। और ये लड़का इधर रो रहा है, ये देखो ये रो रहा है, हर छोटी छोटी बात पे रोता है, कंप्लेन करता है। और बोल रहा था इसके पापा ने मास्क निकाल दिया तो रोने लग गया। मम्मी को बोले पापा ने मुझे मास्क कर ले। सो गाइस, ये जो एरिया है ना, यहाँ पे फोटोज बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी लाइटिंग है। भले चीता देखा नहीं, लेपर्ड देखा नहीं, हाथी देखा नहीं, कुछ देखा नहीं, बट यहाँ पे फोटोज बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो हम लोग सब लोग गए थे, अभी भी यहाँ पे फोटो सेशन चालू है और बहुत अच्छे अच्छे फोटोज ले रहे हैं हम लोग। गाइस, यहाँ पे ना बाहर से खाना अलाउड नहीं है। हम लोग ने तो भी बॉटल कैरी किया पर कुछ बोला नहीं, बट पहले बॉटल्स के लिए भी। ये चील तो दिखते हैं ना बिना भी जू में आए, हाँ कि नहीं दिखते? बिना जू के भी चील दिखते हैं ना बाहर अपने को। अरे चील 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 होगा, चील चील चील। सो हम लोगों को चीता आगे से दिखा नहीं, हम लोग पीछे से जा रहे हैं देखने। और हाँ, मैं बोल रही थी कि मतलब यहाँ पे ना बाहर से खाना वगैरह नहीं लेके आ सकते। नहीं दिख रहा है, चीता दिखा। इधर पे भी है, उधर पे अच्छे से। तो हम लोग बस चीता की मतलब इधर से नहीं दिखा, उधर से निकाल देख ले बस। बच्चे लोगों को कितना मजा आता है। सो आप देख सकते हैं इधर पे, देखो लेपर्ड है, देखो आपको इधर दिख रहा है बीच में। हाँ, देखो मुंडी लाया। तो गाइस, ये लेपर्ड अभी ऊपर आ रहा है। हाँ, ये देखो देखो, अभी अपन देख सकते हैं ना ऊपर अंदर उधर से। हाँ चलो, फाइनली हमको एक एनिमल अच्छे से देखने को मिला। ये ग्लास बहुत गंदा है, इसलिए वीडियो में अच्छे नहीं दिख रहे। बड़े देखो देखो, एक नीचे जा रही है, यहाँ पे आ रही है क्या? अरे बैठ गई। तो गर्लफ्रेंड उसकी नाराज हो गई, बेचारा मना रहा है उसको यहाँ पे बैठ के, बट मान ही नहीं रही है, धूप सेक रहा है ये तो। गाइस, हम लोग मतलब ऑलमोस्ट इधर आगे चले गए थे, बट जैसे चीता बाहर आया तो उसमें से एक चीता एक लेपर्ड है, जैसे वो बाहर आया बच्चों से रहा नहीं गया, एक्चुअली मुझसे भी नहीं रहा गया, मुझे देखने का मन गया। हम सब भाग कर आए यहाँ पे, बट ग्लास इतना गंदा था तो वहाँ से कुछ क्लैरिटी दिख रही नहीं थी कैमरा में। आप लोग बताना अगर आप लोग को दिखा के नहीं। और यहाँ पे दीदी का चप्पल टूट गया है, तो हमारा ऐसा रहता ही, कभी भी कहीं जाओ ना तो कोई ना कोई चप्पल टूटता ही है, वो शुभ होता है। और तो फिर मैंने मेरी दीदी को मेरा दे दिया है, तो ये मेरा बोलता है कि मेरे को आदत है बिना चप्पल के, आप ले लो ना मेरा चप्पल। तो मतलब यार इतना इन लोगों ने बहुत ज़्यादा केयर करते हैं ये लोग। एक्चुअली बचपन से मेरे मॉम के पास रहे और मेरे पास रहे, तो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है मेरे सेमी बहनों से ना।
यहाँ पे इतना सेक्रीफाइस हो रहा है, एक जन का चप्पल टूटा और सब निकाल के भाग गए, बोलते बिना चप्पल के ही अच्छा लग रहा है, ये क्या है मतलब। मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा रानी बाग है ना, इसको जीजा माता उद्यान भी बोलते हैं ना, जीजा माता उद्यान भी बोलते हैं, मुंबई जू भी बोलते हैं और रानी बाग भी बोलते हैं। बहुत जूना, मतलब बहुत जूना और मुंबई में बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। और ना ये कुछ अराउंड 30 या 50 एकर्स में पूरा सिचुएटेड है। तो यहाँ पे ना मतलब आओ ना तो दिन भर के लिए आओ। और यहाँ पे अंदर कैफे है, आप खा सकते हो। होपफुली यहाँ पे खाना अलाउड होता तो और अच्छा होता, क्योंकि कैफेज में तो आपको पता है फिर लूटम्पाई चालू रहती है। सो हम लोग तो यहाँ पे नियर बाई रहते हैं, तो हम लोग आ गए हैं और हम लोग घर से खाना खा कर आए थे, पानी कैरी किया है और फिर जाकर घर पे खा लेंगे। तो क्या हो गया, सस्ते में हम लोगों का जू भी हो गया और सब कुछ हो गया। और आगे हम अभी डियर देख रहे हैं। होपफुली डियर तो एटलीस्ट बाहर रहे, हम लोगों को तो सबने पिछवाड़ा दिखा दिया है, बस एक चीता जी और लेपर्ड जी आए थे बाहर, हम लोग ने उनको देख लिया। लकीली देख के आपको डियर दिखाते हैं। तो ये डियर का एरिया है सारा, एक बच्चा यहाँ पे बैठा है छोटा सा, ये शैम्प डियर, फिर स्पॉटेड डियर, पिल्लू बागितला, ये देखो और एक छोटा सा भी है, एक यहाँ पे छोटा है, ओहो ये देखो यहाँ पे सोने पे सुहागा हो गया। तो गाइस यहाँ पे उनका पॉन्ड भी है पानी पीने के लिए, और यहाँ पे सब एनिमल्स है ना जितने भी उनके केज के अंदर, उनको पानी पीने की सुविधा है। और यहाँ पे भी हम बड़े सिंह वाले को नहीं देख पा रहे, तो उनके लिए बनाया है, पर देखो कब्जा सारे कौओं ने मार के रखा हुआ है। तो आप देख सकते एकदम अमेजिंग व्यू। तो इन अंकल आए थे और सबको मतलब वो लोग सब झुंड बना के बैठे थे ना, तो सबको आभार भार कर दिया। देखो बहुत सारे, 12 सिंह वाला भी है, 12 सिंह वाला अभी भी अंदर है। 12 सिंह बोलते पर उनको रहता नहीं 12 सिंह, बहुत कम को रहता। चलो अब आगे बढ़ते, लोग पिक्स निकाल रहे थे ना, तो ये बोलते है कि मैं इधर एनिमल्स देखने आया हूँ, मैं फोटो थोड़ी ना निकालने को आया हूँ, है ना आयुष। तो इधर क्या करना है, क्या करना है, क्या करने आया है, पैरोट देखने आया है। बहुत मूडी आदमी है ये। सो फाइनली हम पेंगुइन देखने जा रहे हैं। मैं आज आपको व्हाइट कोरोना दिखाता हूँ, जो आप पीछे देख रहे हो वो व्हाइट कोरोना है। तो ये बच्चे लोगों का दिमाग कहाँ कहाँ तक जाता है, मतलब कोई इमेजिन भी नहीं कर सकते ऐसी चीजें ये लोगों को इमेजिन करना। पीछे पेंगुइन था और आप लोग ने देख ही लिया होगा कितने सुंदर और क्यूट क्यूट थे, और बहुत ही अच्छे से ये लोग स्विमिंग कर रहे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे, तो बहुत मजा आ गया देख के, है ना। हाँ गाइस यहाँ पे ना वॉशरूम भी ना बहुत ही मतलब ह्यूज है और अच्छा है और मेंटेन्ड भी, ऐसे नहीं कि बहुत गंदा है या कुछ है, बहुत मेंटेन्ड है। और आपको यहाँ पे ना ये बड़ा सा मिरर दिख जाता है, कार्टून कैरेक्टर। तो गाइस ये चाचा चौधरी है, पता है आप लोगों ने देखा है कभी चाचा चौधरी का कार्टून, डिज्नी का। ये ना बहुत मतलब बहुत बड़ा है और मेरे तो भाई पैर दुख गए चल चल के, और अभी तक बस गिन चुन के कितने देखे यार सुजल हमने, एलिफेंट, लेपर्ड, चीता, बियर का पिछवाड़ा, हाथी का पिछवाड़ा, बस यही देखे अब तक। आप बर्ड्स देख रहे हैं, देखे पेंगुइन, हाँ पेंगुइन देखा है, वाह क्या लाइट टाइम मस्त। सो ये कोरोना के वजह से ये पूरा बर्ड्स का जो सेंचुरी है सारा बंद रखा है, तो हम लोग को बर्ड्स नहीं देखने मिला। ना के नहीं आया क्या तू, ना के आया हूँ ना, तो फिर क्या दिक्कत है, हम लोगों को कुछ मतलब सही से देखने ही नहीं मिला है यार, बहुत गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा। तो अगर आप आते हो ना तो इवनिंग में आओ, क्योंकि इवनिंग में ना हम लोग बाहर आ जाते हैं, सारे बर्ड्स एनिमल्स बाहर आते हैं पानी पीने, सैर करने, ऐसे मतलब मुझे लगता है क्योंकि अभी जैसे इवनिंग होती गई ना वैसे वो लोग धीरे धीरे करके बाहर आ रहे थे। सो इवनिंग में आओगे तो ज्यादा बेटर है, मतलब 4 के बाद 4-5 घंटा तो लेकर ही आना, अगर आपको पूरा जू का चक्कर लगाना तो आराम से 5 घंटे लेके आना, और ये सोच के आना कि आपके पैर कभी नहीं दुखते, बस अगर नहीं दुखते हो ना तो फिर आ जाना यहाँ पे चल चल के जू का ले लेना। हाँ रेस्ट कर करके भी देख सकते हो अगर बहुत टाइम है तो, बट हमने तो वही फटाफट करना है और निकलना है। और अभी इधर पे हम टर्टल देखने जा रहे हैं, तो यहाँ पे टर्टल्स है, ये
बहुत अच्छे से ये दिखने वाले। तो ये कोई फ्रूट है ऐसा कुछ है, फ्लावर है, फ्रूट है। वैसे अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करना, अगर आप लोगों के गांव में होता है, शहर में होता है तो, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता ये क्या है। ये इसका झाड़ है। गाइस ये यहाँ पे इनका खाना रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है। बहुत छोटा छोटा टर्टल है उनके लिए, वो ऐसे केव जैसे ना घर बना है, न्यू बॉर्न्स है तो बहुत छोटे। देखो ये देखो, ये देखो, और बहुत सारे ना ये सब अंदर है, इसके अंदर है। एक इधर ही है, ये देखो ये छोटे छोटे है। ये हर्बीवोरस है और ये ओमनीवोरस है। तो ये पानी वाले, बिना पानी वाले, जमीन वाले, छोटे यहाँ पे का जो इनका सारा ये डिजाइन पैटर्न है ना, बहुत क्रिएटिव और बहुत अच्छा है। पता नहीं सब जानवर किधर गया, सांप किधर, नहीं है, नहीं है ना अंदर, क्या अंदर गया है किधर, नहीं है सांप। तो गए जिधर है ना, बच्चों के लिए मतलब बहुत अच्छा किया है, क्रिएटिविटी की। ये पहले नहीं था ये सब कुछ भी। ये मोटू पतलू का यहाँ पे स्टैचू है, मतलब सारे कार्टून कैरेक्टर्स और जो भी बच्चे देखते है ना उनका सारा स्टैचू जैसा बनाया है। तो ये यहाँ पे मोटू है और ये यहाँ पे पतलू है, क्योंकि ये कार्टून कैरेक्टर्स बहुत ही फेमस हो गए हैं, हर कोई बच्चा बच्चा जानता है ये कौन है। ये मोटू का कोई डायलॉग सुनाएगा, सुना रहा है सुजन? अरे मेरे को कोई ये डायलॉग याद नहीं, एक एक कोई तो एक। मुझे बस क्या चाहिए, समोसे, मुझे समोसे दे दो, समोसे 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 के बगैर मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती है। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं कि बस खाने के बाद ही उनका दिमाग का बत्ती जलता है, तो मैं उनमें से एक हूँ। मोटू, जैसे कि ये मेरा मोटू, इसको भी मतलब ये बहुत फूडी है, बहुत भी हो। तो और ये बहुत अच्छा अच्छा डिशेज बना भी लेता है खुद, और खुद भी बना के खाता है और मुझे भी खिलाता है। मम्मी, इसकी मम्मी की तबीयत खराब होती है ना, तो ये बहुत सारे काम कर लेता है। यहाँ पे ये पूरा केव जो है एक्वा बर्ड्स के लिए है। एक्वा बर्ड्स मतलब, एक्वा बर्ड्स मतलब जो पानी के मतलब कॉन्टैक्ट में रहते हैं, मतलब पानी में भी रह सकते हैं और ऐसे भी रह सकते हैं। डक मोटा है, वो कौवा बर्ड है। मेरा भी सेल्फी निकालो प्लीज। कैसे बैठता है, सब लोग इसको देख रहे हैं। ये कौवा बोलता है मैं भी पोज दे रहा हूँ, मेरे को तो कोई देखो, जो सुकरम कैसे पोज के बैठता है। और हम अभी घर जाएंगे, बहुत थक गए। और मैं आपको बहुत अच्छा सा ये व्यू देती हूँ पूरा, मतलब रानी बाग बाहर ही बैठा है और हम अंदर चक्कर लगा के आ गए। तो मैं यहाँ के पिक्स भी डालूंगी इंस्टाग्राम पे, तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कीजिएगा, वहाँ पे मैं अपडेट करती रहती हूँ। कि अंदर जाने से पहले, ये इतना बड़ा एरिया है बाहर और ये म्यूज़ियम है यहाँ पे। तो गाइस ये जो है ना भाईकला में है, और पर पर्सन 50 रुपीज़ चार्ज है, तो आप जाकर देख सकते हो। और अंदर एक्वा जो वो पेंगुइन है उसका भी चार्ज है, कितने अलग से है, 20 रुपये कुछ, तो बहुत ही चीप है अगर आप आते हो फैमिली के साथ ना, तो आराम से एक दिन पूरा स्पेंड कर सकते हो, फिर बाहर जाकर खा पी सकते हो। बाहर बहुत सारे स्टॉल्स और सब अवेलेबल है। ये यहाँ पे फनस का झाड़ है और इसमें फनस भी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से इसको लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब। यार बच्चों बच्चों को बताया यार, आप भी कर दो, बस देखते हो चले जाते हो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखना, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।